अभी तो बहुत अच्छा है। हमारा पुलिस कल से 9 बजे से लगा हुआ है और मजिस्ट्रेट भी लगा हुआ है और पब्लिक भी हमें बहुत कोऑपरेट कर रहा है और इस बन कल्चर को बिल्कुल ही रूट से ही उखाड़ने का पब्लिक का डिमांड है और हमारा सरकार का भी इच्छा है कि बन कोल कल्चर जो है बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। इसलिए अभी आप देख सकते हैं कि हम बंदरद्वार से लेके यहाँ तक कोई भी इश्यूज नहीं है, अभी बहुत बढ़िया से चल रहा है। सर, ये सुनने में आ रहा है कि 50 एक्टिविस्ट अरेस्ट हुआ कैपिटल रीजन से और 7 फ्रॉम नाहरलगुन। ये है अभी हमारा यहाँ में 50 और नाहरलगुन में 7 जैसे हम लोग डिटेन किया है और जिसको दाउदपुर में और जो चीज़ जहाँ जहाँ में उन ग्रुप में गया 144 को उल्लंघन होता है ना, 5 आदमी से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और तो इन लोगों को डिटेन किया है। अभी उसको तहकीकात कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है कि वो एक्टिविस्ट है ना नहीं है, तो उसका बाद उसका नियम है और प्रोडक्शन करेगा हमको, फिर हम प्रोडक्शन मेमो को देखने का बाद हम इन लोगों को डिस्ट्रिक्ट का जो ये है जेल है वहाँ भेजेगा ना, हम उसको ये अपना जुडिशल कस्टडी में रख के 107 में बाइंड डाउन भी कर सकता है और रेस्ट्रिक्शन जो है हम 6 महीना का 1 साल का भी दे सकता है। तो अभी तक तो बहुत पीसफुल है और आगे भी पीसफुल होना चाहिए और आप लोगों का इस चैनल का माध्यम से शायद आज इंटरनेट का वजह से आप लोग हमें मदद नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन बाद में भी ये रिकॉर्ड रहेगा कि हम ऐसे समाज बनाना चाहता है जिस समाज में लोग पीसफुली उन्नति हो और लॉ और ऑर्डर जो है लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन हो, इसका कोशिश है। और आप लोग फोर पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, आप लोग इसको मदद करें और साथ साथ में जो आपका डेमोक्रेसी जो राइट होता है उसका भी एक आप उसका भी हमें अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको हम धरना का परमिशन देता है, आप लोग देखा ही होगा, और रैली का परमिशन देता है, तो जो चीज़ डेमोक्रेटिक राइट है वो हम देता है, लेकिन सडनली आपको 2-3 दिन में आप ये बंद कॉल कर देना सभी को तकलीफ होता है। सर तो 50 में से वो एरेस 50 आदमी का है और 7 आदमी का है। सर आपने दुकान को खोलने के लिए बोला लेकिन एक भी दुकान नहीं खोला, नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दुकान को हमने खोलने के लिए नहीं बोला, जो खोल सकता है खोलिए, उसका सिक्योरिटी देंगे। अभी हम चीफ सेक्रेटरी और हम दोनों अभी डेली मार्केट में गया है, तो डेली मार्केट में हम गया 2-3-4 दुकान जो भी हो अपना मन से खुला है, तो हम लोग वहाँ पे चाय पी के आया और हम लोग शॉपिंग भी किया। हाँ, उसका कुछ आप वीडियो रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, हम जाने से आपको दे देंगे। सर अभी तो, रास्ते में देखा गया कि आपका जो जवानी मतलब लोगों को मूवमेंट करने में रोक रहा है, मतलब पब्लिक को आने नहीं दे रहा है, तो आप लोग ही बंद कर रहा है जैसे लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ में? नहीं नहीं, ऐसे समय में किसी का माता पे लिख के रखा नहीं कि हम अन्य एक्टिविस्ट हैं, तो हम हमारा मजिस्ट्रेट और हमारा पुलिस को मेरा हिदायत ये है कि आप उन लोगों के रोके, बात करें, अच्छा से बात करें, पूछताछ करें, और जैसे आप लोग आई कार्ड बुका है सभी का, कुछ ना कुछ ये है, और अभी जितना भी अरेस्ट किया है और दाउदपुर जो अरेस्ट इसलिए होता है कि आप अपना आइडेंटिटी बताता नहीं है और आप रात भर एक कहीं होटल में बैठ के आया, कहीं पार्टी में बैठ के आया, फिर आप कहाँ जा रहा है आपको कोई ये नहीं है। सो हमारा ये जो लोग है उनको जो दाउदपुर है जो इस प्रकार का आइडेंटिटी को अच्छे से नहीं बता पाता है, डिस्टिनेशन बता नहीं पाता है, उन लोगों को हम लोग बात करते हैं। अदरवाइज जो लोग प्रॉपर आइडेंटिटी का अपना बताते हैं और काम को बताते हैं, हम लोग पुलिस और मजिस्ट्रेट प्यार से छोड़ते हैं। सर 50 आदमी जो अरेस्ट किया कस्टडी में है, सो हाउ फार इट इज ट्रू कि वो लोग एक्टिविस्ट होगा, नॉर्मल सिटीजन भी है एज यू आर स्टेटिंग, नॉर्मल सिटीजन भी हो सकता है? उसका एग्जामिन होगा, अभी आप देखिए हमारा जो लॉ है उसका एक प्रोसीड्यूर है और सिस्टम है, उसमें आप क्या करते हैं कि जो भी लोग अपना आइडेंटिटी को प्रॉपर नहीं बता पाता है और जो चीज़ उनका जो एक्सप्रेशन तो नहीं है, आप जो आप बात करते हैं अपना काम बताते हैं, वो आप जैसे कि एक लड़का को सुबह हम यहाँ पकड़ा है,
वो उन्होंने हम लोग का जो जहाँ जहाँ डिप्लॉयमेंट को वीडियो करके जा रहा है तो उनका मोबाइल को देखा है तो आनिया का पूरा वीडियो भी साथ में है तो उनको मैंने उठाया। तो इस प्रकार से उन लोगों सभी को नहीं उतारते हैं, वहाँ भी एक भाई जा रहा है हम तोरी उतार रहा है, लेकिन 100% जहाँ सस्पेक्ट मिल जाता है हमको उपाय नहीं, उसको उतारना पड़ता है। नहीं होने से अभी तक तो 2000 तक उतारना था, तो अभी ऐसा है कि हमारा लॉ है, हमारा लॉ का साथ जो प्रोसीड्यूर्स है उसको हम उसको रखेंगे, इंट्रोगेट करेंगे। अगर इंट्रोगेशन में अगर कुछ साबित हो जाता है कि वो एक्टिविस्ट है तो उनको हम लोग उनका अभी सुबह में जितने लोग हैं फ़ोन कराते हैं, आप कहाँ से आया, वो जगह से आया, उनको हम फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, सचमुच ये आपका आदमी है क्या या जो काम जा रहा है सही काम है क्या, तब हम उनको नहीं पकड़ते हैं, छोड़ते हैं। बंद कॉल में जनता जो है एक अहम भूमिका निभाती है, तो लोगों की सुरक्षा के तहत जो है आप लोग किस तरह से प्रशासन जो है एहतियात बरत रहा है? देखिए अभी जो एक्टिविस्ट है वो डैमेज करने का कोशिश में रहेगा, हमारा काम है मजिस्ट्रेट पुलिस, उस डैमेज को हम करने नहीं देंगे। तो इस प्रकार से पब्लिक को एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना कि शासन है, सरकार है और हम सुरक्षित करने का हम ताकत रखते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा एक सबसे बड़ा ताकत है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो लोग काम करेंगे उसको हम सुरक्षा करेंगे, सुरक्षित में रखेंगे, और उसी के लिए हम जो वर्दी वाला है मजिस्ट्रेट है, हम उस कॉन्स्टिट्यूशन का बल में हम पब्लिक को कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता है आज। सर बहुत का ऐसे भी है कि इंटरनेट टिल 14:36 आवर बंद, वो मतलब बहुत लोग प्रोटेस्ट मतलब अगेंस्ट भी है आपका ये स्टेप को लेकर, वाईफाई चल रहा है नहीं मतलब बहुत सारा का ये है मतलब वाईफाई चल रहा है ना वाईफाई नहीं बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इट्स अ वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स सॉर्ट ऑफ, तो आपका क्या कहना है? आपको मालूम है कि कितना ये जान गया है लास्ट टीआरसी से लेके जितना यह हुआ है, वो जान कैसे गया उसका हम लोग का एक एनालिसिस है, हमारा दाता है, उसका कारण ये था कि आपने व्हाट्सएप में वायरल करके जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया उसको लेके लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसका कारण से जान भी गया, अभी करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपया का जो प्रॉपर्टी भी लॉस हुआ। तो अभी इस समय में हमारा जो सूझबूझ काम यही कर रहा है कि ऐसे थोड़ा से जो चीज़ हमारा जो समाज के लिए लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज ज़्यादा हो सकता है उसको रोकने के लिए कोशिश किया। इसलिए मेरा अपील रहेगा जितने भी ये खास करके यूथ और चिल्ड्रेन लोग जो ये नेट से गेम खेलता है या आपको कुछ कुछ देखता है, क्षमा करें, हमें मजबूरन हमको ये रखना पड़ा है थोड़ा समय के लिए, कोऑपरेट कीजिए, आप भविष्य आपका है, आपका भविष्य के लिए हम लोग काम कर रहा है ताकि ये बंद कल्चर बंद हो जाए। जो भी इस प्रकार का बंद कल्चर जो कर रहा है वो उसका पीछे में भी जो लोग होता है उन लोगों के ऊपर भी हमारा नज़र है, आप लोग का चैनल का माध्यम से आप आज वाईफाई में भी आप कोशिश कीजिए। सर लास्ट वन कॉल और इस वन कॉल में लॉ एनफोर्समेंट में पार्शियलिटी दिखाई दे रहा है, क्योंकि लास्ट में आप ना एफआईआर हुआ ना अरेस्ट हुआ क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी भी डैमेज हुआ, लेकिन आज का यहाँ में एक अनाउंस करने के बाद आप एफआईआर करके पीछा करना शुरू कर दिया, अरेस्ट भी कर दिया। हाँ देखिए हमको सीखना होता है, ज़िंदगी सीखते रहना है, आप लोग भी यहाँ जो मीडिया में हैं आप लोग भी सीख रहा होगा। मेरा पर्स बंद खोलता है एज डीसी कैपिटल, उसमें मैंने बहुत कुछ सीख लिया। अभी ये सेकेंड जो बंद कॉल है इसमें हम दो बार गलती नहीं करेंगे, और जो हुआ है वो उस दिन में हमने ये गेट में हम करा था क्योंकि हमको वो चीफ सेक्रेटरी का एग्जिट के लिए हम यहाँ करा था, तो गाड़ी और बस जो है वो दूर में यहाँ से 70-80 मीटर में दूर में था क्योंकि पता नहीं चला, तो वो जला दिया गया। और वैसे तो आंशु का साथ मेरा बातचीत ये था कि हम लोग वायलेंस नहीं करेंगे, तो उसका बाद तो हमारा जो बंद कॉल का टाइम भी बंद हो गया, तो इसलिए कोई पार्शियलिटी नहीं है। हम जो अभी जो सिस्टम हमने अभी एडॉप्ट किया, अगले बार मैं बात नहीं करूंगा,
जैसे ही बन कॉल डिक्लेयर करता है उसी दिन उसको मैं अरेस्ट करूंगा, और अरेस्ट सिर्फ नहीं करूंगा, उसको लेके ऐसे जगह में रखूंगा, यहाँ नहीं रखूंगा, बहुत दूर, और ज़्यादा ही हार्डकोर अगर मिलता है मैं तो वो पूरा वो दूर 300-400 किलोमीटर में रास्ता में छोड़ दूंगा। तो इसलिए ये सब बन कॉल जो है आप जिस ढंग से वायलेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को, तो पब्लिक को इतना हरासमेंट दे रहा है, ऐसे लोगों को तो इस प्रकार से ही डील किया जाएगा। तो क्लियर है ना मेरा जो आवाज़ ठीक ना। नाहरलगन पर जो होटल बेंजामिन के आसपास जो है एक कार जल गई थी पूरी तरह से, तो आपके संज्ञान में है? नहीं, वो कुछ नहीं है, वो कार ऐसे ही अपना से जल गया है, कोई नहीं नहीं आप बता दीजिए कौन जलाया आपके संज्ञान में नॉलेज है? तो अपना से जल गया और चोर दिया, वो इसमें कोई आदमी नहीं है वो जलने वाला, क्योंकि जलाने वाला ही नहीं है तो जल गया, उसके हमारा इसमें कोई टिप्पणी नहीं होगी।